प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा है कि जो काम आपको हर रोज दिया जा रहा है वो आप समय पर कर रहे हैं। और मेरे पास कुछ बच्चों के आ भी रहे हैं, सभी के नहीं आ रहे हैं, लेकिन सभी को भेजने चाहिए। और आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा विभाजकता के नियम। विभाजकता का मतलब कि कोई संख्या किस संख्या को भाग, पूरा पूरा भाग कर देगी। तो विभाजकता के नियम आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे कि कोई संख्या किस संख्या से विभाज्य कब होगी। तो उसमें मैंने पहले दो प्रकार लिए हैं, एक तो सिर्फ इकाई का अंक देखकर और एक अंकों के योग के द्वारा। अब पहले इनको समझते हैं, फिर आगे आगे बढ़ेंगे। इकाई का अंक देखकर मैं 10 से विभाजकता की जांच कर सकता हूं, मैं 5 से विभाजकता की बात कर सकता हूं और 2 से विभाजकता की भी जांच कर सकता हूं। सिर्फ इकाई का अंक देखना है हमें कि जिस जितनी बड़ी संख्या है उसका इकाई का अंक देख के हम बता सकते हैं कि क्या वो संख्या 10 से भाग होगी, क्या वो संख्या 5 से भाग होगी, क्या वो 2 से पूरी पूरी भाग होगी। मैं तो पूरी पूरी भाग की बात कर रहा हूं, या भाग में विभाजकता में वहां कोई शेष नहीं बचना चाहिए। तो 10 से विभाजकता का पहला नियम है कि जो इकाई का अंक है, जो हम संख्याएं लिखते हैं, ये जो आखिरी अंक हमारे पास होता है इसको हम इकाई का अंक बोलते हैं, ये आप सबको पता है। तो 10 से विभाजकता के लिए ये इकाई का अंक हमेशा शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य। यदि मैं इस संख्या की बात करता हूं, इस संख्या में मेरे पास इकाई का अंक क्या है? 7 है। 7 है तो यह संख्या 10 से भाग नहीं होगी, पूरी पूरी भाग नहीं होगी। समझ में आया? और यदि मैं संख्या लेता हूं 8390, यदि इसके इकाई का अंक शून्य है तो मैं देखते ही बता दूंगा कि यह संख्या 10 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 10 का समझ में आ गया। अब 5 का चलते हैं। 5 के लिए हमारे पास इकाई का अंक शून्य है और 5 होगा, शून्य या 5 होगा तभी वह संख्या 5 से पूरी पूरी भाग हो पाएगी। अब ये देखो, इसमें इकाई का अंक क्या है शून्य में? 8390 में इकाई का अंक क्या है? 0 है, शून्य है। और शून्य 5 के लिए भी वैलिड है तो ये संख्या 5 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। और यदि मैं इस संख्या को देखती हूं, इसमें इकाई का अंक क्या है? 7 है। और 7 तो 5 वाले में नहीं है, इकाई का अंक हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 या 5। तो यह संख्या 5 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। और एक संख्या लेता हूं मैं 2835, इकाई का अंक क्या है? 5 है। 5 है तो यह संख्या 10 से पूरी पूरी भाग, सॉरी 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। क्या यह 10 से ही पूरी पूरी भाग होगी? इकाई का अंक देखो क्या है? 5। और 10 के लिए हमारे पास क्या था? शून्य था। और यहां इकाई का अंक 5 है तो यह संख्या 10 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी, लेकिन 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी इकाई का अंक देखकर। 2 से विभाजकता के लिए इकाई का अंक हमारे पास शून्य भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। मतलब ये मेरे पास कोई संख्या 372 है और मुझे देखते ही बताना है कि यह संख्या 2 से भाग हो जाएगी, तो मैं इकाई का अंक देखूंगा 2। अब इन 5 अंकों में से यदि वो इकाई का अंक हमें मिल गया तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो 2 है, यहां से मिल गया मुझे 2। यदि इसके आखिरी में 8 भी होता है, इकाई का अंक 8 है, 8 इसमें से है, तो यह संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अर्थात सिर्फ इकाई का अंक देख के हम यदि देखें कि इकाई का अंक शून्य है तो वह संख्या 10 से भाग हो जाएगी। इकाई का अंक यदि शून्य और 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। और इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। यह है सिर्फ हम इकाई का अंक देख के इन तीनों को ही, इन तीनों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 2 से भाग होगी, 5 से होगी या 10 से होगी। अब अंकों के योग द्वारा, अब मैं यही संख्या ले लेता हूं, अंकों के योग द्वारा हम 3 से विभाजकता की जांच कर सकते हैं और 9 से विभाजकता की जांच कर सकते हैं इकाई के अंकों, सॉरी अंकों के योग द्वारा। अब मैंने पहली संख्या ली थी 8, 3 और 7। अब इसको मैं देखूंगा कि क्या ये 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। देखो 8, 3 और 7, इसके अंदर 3 अंक है, मैं तीनों का जोड़ दे रहा हूं। 7 और 3 10 और 8 18 है, मेरे पास क्या संख्या आ गई? 18 है। अंकों का जोड़ किया मैंने, इस संख्या के अंकों का जोड़, 8 का 3 का और 7 का, 8, 3 और 7, हमारे पास 18 आ गया। अब 18 है, क्या 3 के पहाड़े में आता है? पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आता है, जी हाँ। इन अंकों का जोड़ यदि 3 से पहाड़े में आता है तो यह संख्या 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। और 9 के लिए भी यही है, हमने जोड़ किया कितना आया? 18। क्या 9 के पहाड़े में 18 आता है? बिल्कुल आता है।
तो यह संख्या संख्या कौन सी है? 837। 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। यदि मैं अगला अंक लेता हूं, इसमें ये संख्या लेता हूं, 8, 3 और 9, 8 जमा 3 जमा 9 और जमा शून्य भी है बाद में, इसमें 8,379 में। जब इसके अंकों का जोड़ किया, 8, 3, 11, 9, 20 बना। क्या 3 के पहाड़े में आता है 20? नहीं आता, तो यह संख्या 3 से भाग नहीं होगी। कौन सी संख्या 3 से भाग नहीं होगी? 8,390। 20 नहीं, 20 तो हमने इनका जोड़ करके देखा है कि वो उसके पहाड़े में नहीं है, तो 20 में नहीं होगी। वैसे तो यदि वो नहीं होगी तो ये संख्या भी नहीं होगी। और यहाँ पे भी देखते हैं, 8 जमा 3 जमा 9 जमा 0 का जोड़ करके देखेंगे तो वो भी 20 ही आएगा, और वो भी 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो यह संख्या 9 से भी पूरी पूरी भाग नहीं होगी। मतलब दो नियम अभी हमारे पास आए हैं, एक इकाई के अंक को देखकर और एक अंकों के योग के द्वारा। इकाई के अंक को देखकर हम 10, 5 और 2 से विभाजकता की जांच कर सकते हैं, और अंकों के योग द्वारा हम 3 और 9 से विभाजकता की जांच कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हमने देखा 2 से विभाजकता, 3 से विभाजकता, 5 से विभाजकता, 10 से विभाजकता और 9 से विभाजकता। हम 5 संख्याओं की बात कर चुके हैं और 4 संख्याओं की बात अभी करने जा रहे हैं। ये 4 से विभाजकता कब होगी, अर्थात कोई संख्या 4 से पूरी पूरी भाग कब होगी? हमने कोई संख्या लिखी है 8,374, हमें देखना है कि ये 4 से पूरी पूरी भाग होगी या नहीं होगी। तो हम इसके अंत में 2 अंक उठाएंगे, एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक, दोनों क्या हो गया? 74 हो गया। अब 74 को हम 4 से भाग करके देखेंगे, 4 एकम 4 3 4 4 8 32, हमारे पास क्या शेष बच गया? 2 शेष बच गया। यदि दहाई और इकाई के अंकों को 4 से भाग देने पर शेष बच जाता है तो संख्या 4 से भाग नहीं होगी। अर्थात 4 से विभाजकता का नियम है कि हमें सिर्फ दहाई और इकाई के 2 अंक पीछे वाले 2 अंक लेने हैं, उनको 4 से भाग करके देखना है। यदि वो पूरी पूरी भाग हो जाती है तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी भाग होगी। एक और हम लेके देख लेते हैं, हमने ये लिया, हमारे पास अंत में क्या आया है? 64। 64 को 4 से भाग दें, 4 एकम 4 2 4 और 4 6 24, ये देखो पूरा पूरा भाग हो गया ना, शेष हमारे पास नहीं बचा। तो यह संख्या कौन सी संख्या? 2,364 4 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, 4 के लिए आ गया। उसके बाद हम 8 का लेंगे, 4 के बाद सीधा 8 पे चलेंगे, बिल्कुल इसी संख्याओं को 2 3 6 4। अब जिस प्रकार हमने 4 से भाग के लिए पीछे वाले 2 अंक उठाए थे, 8 से भाग के लिए पीछे वाले 3 अंक उठाने पड़ेंगे। सैकड़ा, दहाई, इकाई, मेरे पास क्या आ गया? 364। 364 को यदि मैं 8 से भाग दूंगा, 8 6 32, 4 4 और 8 5 40, क्या बच गया शेष? 4 बच गया ना, शेष बच गया भाग देने के बाद, तो संख्या 8 से भाग नहीं होगी। अब अगला एक और लेके देख लेते हैं, इसमें बिल्कुल इसी प्रकार संख्या कितने बढ़े हो, हमें उससे कोई डरना नहीं है, हमें सिर्फ 3 अंक चाहिए 8 से भाग के लिए लास्ट वाले, वो क्या 824 है हमारे पास, और उसको यदि मैं 8 से भाग दूंगा, 8 एकम 8 0, ऊपर से 2 उतारा और नहीं चला तो उसकी भी 0, फिर 4 उतारा 24, 8 3 24, ये देखो पूरा पूरा कट गया ना, 8 से पूरा पूरा भाग हो गया ना एक सैकड़ा दहाई और इकाई के अंक। तो यह संख्या जो 13,824 है वह भी 8 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे में अब हम 6 पे चलते हैं। 6 से विभाजकता के लिए बिल्कुल आसान है, 2 से विभाजक होनी चाहिए संख्या और 3 से भी, अर्थात इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए और अंकों का जोड़ भी 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 2 और 3 के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो 6 से विभाजकता का सीधा नियम है कि वो 2 से ही भाग होनी चाहिए और 3 से भी, तो संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब 11 से विभाजकता की मैं बात करता हूं, 11 से विभाजकता में कोई अंक या कोई संख्या 11 से कब भाग होगी, उसके लिए हमें थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा कि एक अंक छोड़ के एक अंक लेंगे हम, सिर्फ एक अंक छोड़ के एक अंक लिया, 6, 5 और 2 इनका जोड़ कर दिया, 6 का 5 का और 2 का 13, और अगले का जोड़ किया जो और बचे हैं 3 और 4 का, इनका जोड़ के आ गया 7। अब 13 में से 7 घटा दो, 6 आ गया। घटाने के बाद, इन दोनों को घटाने के बाद यदि मेरे पास 0 बचता है या 11 बचता है,
या 22 बचता है, मतलब या तो शून्य बचना चाहिए या 11 या उसके गुणज पहाड़े बचने चाहिए, तो ही वह 11 से भाग होगी। अब यहां 6 बच रहा है, तो जो ये संख्या दी गई है यह संख्या 11 से पूरी पूरी भाग नहीं हो रही है। तो 11 से भाग के लिए और देखते हैं हम। 11 से भाग के लिए मैंने एक संख्या ले ली, देखो मैं ले रहा हूं एक संख्या। अब उसी प्रकार जैसे मैंने कहा था, एक अंक छोड़ के एक अंक को ध्यान में रखो, ये नहीं ये है। अब जो मैंने अंक लिए हैं वो लिए हैं 0, 7 और 3, इनका जोड़ किया 10, और जो बच गए हुए हैं 2, 3 और 5, इनका जोड़ भी क्या आ गया 10, और मैं 10 में से 10 को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बच गया, शून्य। शून्य बच गया, तो इसका मतलब जो मैंने ये संख्या ली थी ये वाली, ये संख्या 11 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, अर्थात 203,753 है वो 11 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। विभाजकता के नियम है हमारे पास यही थे, 7 से विभाजकता का फिर कभी देखेंगे। अभी हमारे पास 2 से 5 से और 10 से विभाजकता के लिए आपको पता ही इकाई का अंक देखना है, हमारे पास 3 और 9 से विभाजकता के लिए आपको अंकों का जोड़ करना है, हमारे पास 4 से विभाजकता के लिए इकाई और दहाई के अंकों को 4 से भाग देके देखना है, 8 से विभाजकता के लिए सैकड़ा दहाई और इकाई के अंकों को 8 से भाग देके देखना है, 6 से विभाजकता के लिए देखना है कि वो 2 से ही भाग हो रही है और 3 से ही भाग हो रही है, और 11 से विभाजकता के लिए आपने देखा है कि हमारे पास जो एक अंक छोड़ के एक अंक लेके उनका जोड़ करके और छोड़े हुए अंकों का जोड़ करके उन दोनों को यदि सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटा करेंगे, यदि शून्य बच रहा है या 11, 22, 33 बच रहा है, तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी भाग होगी, अन्यथा 11 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। आशा है आपको विभाजकता के नियम समझ आए होंगे। अभी ये प्रश्नावली कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।